हेलो गाइस, ये है गंगा ब्रिज बनारस का और ये बहुत ही मशहूर ब्रिज है और हम लोग चल रहे हैं रामनगर किला जो आज एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे रामनगर किला पहले से पहुँचने से पहले लाल बहादुर शास्त्री गेट आपको नज़र आएगा जो भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये देखिए रामनगर किला हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रामनगर किला है, सामने का ये व्यू है। यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर विग भी बेच रहा है, तो अगर आपको इसे ज़रूरत है तो आप यहाँ परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखिए सामने दो तोप रखी हुई है उस ज़माने की। और ये देखिए सामने मेन गेट है, मेहराब टाइप बना हुआ है। और ये देखिए इसके दरवाज़ा कितना ज़बरदस्त है। और ये मेन गेट से अब हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी है। और ये रामनगर किला का देखिए ये सहन है, ये कितना ज़बरदस्त है इसका कंपाउंड और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर देखिए तमाम अलग अलग कोठियाँ बनी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनका जो उस समय के राजा थे, राजा नरेश, उनका उस समय का वो झंडा था जो यहाँ पे उनका झंडा लगा हुआ है। और राजा नरेश जो है वो बनारस स्टेट के मालिक थे, राजा थे। और यहाँ से देखिए आप टिकट परचेस करते हैं और अंदर म्यूज़ियम है, आप म्यूज़ियम में जा सकते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं, लेकिन म्यूज़ियम में वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है। और ये देखिए पूरा सहन है। और ले चलते हैं आपको आगे, हम दिखाते हैं। और ये देखिए जो तोप रखी हुई है, और तोप यहाँ पे उस ज़माने की तोप रखी हुई है जब राजा के ज़माने में ये तोप इस्तेमाल हुआ करती थी। और ये देखिए यहाँ गार्ड साहब जो यहाँ की रखवाली करते हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो बरामदे बने हुए हैं, इस तरफ कमरे बने हुए हैं और सामने देखिए उधर भी कोठियाँ बनी हुई हैं। और देखिए ये गेट है, ये गेट आपको शायद आपने अगर मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी हो तो ये त्रिपाठी जी की जो कोठी बताई जाती थी उसका ये व्यू यहाँ पे है। इसी तरह वहाँ पे आपको दिखेगा त्रिपाठी जी की जो कोठी थी मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर सीरीज़ 2 में। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। और लोग अंदर जा रहे हैं, चलिए हम भी आपको दिखाते हैं।